रेत की पोटली से किस प्रकार से मसाज की जाती है, क्या क्या इसके लिए मटेरियल्स हमें चाहिए होता है, कितने समय हमें करना होता है ना। तो ये पूरा हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? आप लोग रिप्लाई नहीं करते हैं, रिप्लाई कीजिए आप। पूरा प्रोसीजर हमने किया था, ठीक है ना, बालों का श्वेत किया था हमने, और क्या किया था? हाँ जी, बालों का श्वेत के जो कॉम्प्लिकेशंस है वो हमने डिस्कस किए थे या नहीं किए थे? कोई नहीं बोलता है, इस तरह तो सही नहीं है ना, आप इंटरेक्टिव तो होते ही नहीं है, कोई भी बात नहीं करता है। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं लेने का क्लास। अब मैं बोलता रहूंगा तो ये कोई ठीक नहीं है ना, आपको भी इंटरेक्टिव होना है, ये सब आप ही के लिए तो है, मेरे लिए थोड़ा ही है। अभी तो आप कह रहे थे कि आवाज आ रही है, अभी कोई नहीं बोल रहा है। हाँ जी, कोई एक बताइए, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया था? बालू का स्वेद हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें बताइए आप क्या क्या इसमें प्रोसीजर होता है, क्या इसमें रिक्वायरमेंट होती है, कौन बताएगा? मैं नाम लेके बोलता हूँ फिर। बताइए, कोई नहीं बोलता, ठीक है, आप लोगों की क्लास बंद कर देते हैं, ठीक है, आगे से अब क्लास नहीं करेंगे आपकी। आप कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हो, रिप्लाई नहीं करते हो, बोलते ही नहीं हो। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, आप कौन बताएगा? हेलो, वालों का स्वेद बताइए, कौन बता रहा है? मैंने डिस्कस कर लिया है पूरा, मैंने डिटेल में बता दिया है आपको, प्रैक्टिकल भी शायद आपके हुए हैं, नहीं तो इसकी स्लाइड भी आपको शेयर कर दी जाएगी, वीडियो शेयर कर दी जाएगी दोबारा से। बालू का शेर में क्या यूज करते हैं हम? ये एक प्रकार का ड्राई स्वेद होता है, ड्राई स्टीम, इसमें पे फॉर्मेंटेशन किया जाता है पेशेंट का, इसमें रेत बालू जो होती है वो यूज की जाती है, या फिर साल्ट, मोटा नमक जो सैंधा नमक होता है वो यूज किया जाता है। इसके कोई बताएगा मुझे? आपस में बात ना करें या फिर म्यूट करें, उसमें कुछ बताएं मुझे। मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द बालों का स्वेद, क्या क्या चीज चाहिए हमें? एक तो मैंने बता ही दिया, सैंड चाहिए इसमें, है ना, बालू रेत जो होती है उसकी जरूरत पड़ती है हमें, पोटली बनानी है हमें 2 से 3 पोटली, तो करीबन 1 किलो सैंड हमें चाहिए इसमें, और वो भी किस प्रकार की सैंड होनी चाहिए? पूरी ड्राई होनी चाहिए वो, मिट्टी से मिली ना तो हो फिर किसी भी प्रकार की, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल या अदर जो भी वेस्ट होता है वो उसके अंदर नहीं होना चाहिए, अच्छी प्रकार से सुखाकर छानकर हमें यूज करनी है बालू, ठीक है, कोई भी कंकड़ पत्थर या फिर मिट्टी वगैरह इस प्रकार से उसमें नहीं होनी चाहिए। सूती कपड़ा होना चाहिए दो, है ना, टैग बांधने के लिए होने चाहिए, एक कढ़ाई हमें जरूरत पड़ती है जिसमें हम रेत को गर्म करते हैं, ठीक है, और राशनादि चूर्ण की जरूरत पड़ती है जिसका हम लेप करते हैं पेशेंट के फोरहेड पर, ताकि किसी प्रकार के उसको वात से रिलेटेड किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन ना हो, ठीक है, राशनादि चूर्ण इसीलिए यूज किया जाता है ताकि किसी प्रकार के उसको पेन ना हो या फिर ये हेडक ना हो, मतलब वात से रिलेटेड जो भी इश्यूज है वो ना आए। तो पूरा हमने डिस्कस किया था, है ना, रेत को गर्म कर पोटली बना लेते हैं, उसके बाद फिर पेशेंट को सिटिंग पोस्चर में लेकर हम उसका फिर पोटली से उसकी हम सिकाई करते हैं, है ना, टच करा के उसको सिकाई करते हैं, और उसका जो टेम्परेचर होता है मैंने बताया था कितना टेम्परेचर होता है, 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तक हमें टेम्परेचर रखना है, इससे ज़्यादा अगर रखेंगे तो वो बंद कर सकता है, इसलिए इन प्रकार की सावधानियों से हमें ध्यान पूर्वक
प्रसवेदन कम करना होता है, और टाइम ड्यूरेशन 15 से 20 मिनट तक का इसमें मैंने बताया था आपको। ठीक है, इस प्रकार से पूरा मैंने लास्ट क्लास में पूरा डिस्कस किया था। अब आगे हम एक इसमें छोटा सा टॉपिक है चूर्ण पिंड स्वेद, वो आज डिस्कस कर लेते हैं। इसमें भी क्या है, जिस प्रकार से रुक्ष स्वेद यानी कि जिस प्रकार से हम बालू का स्वेद करते हैं, इसी प्रकार से जो हर्ब्स होती है हम उस हर्ब्स को यूज करते हैं बालुका की जगह। आप में जैसे नागर मोथा चूर्ण हो गया या पुनर्नवा हो गया, ठीक है ना, इस प्रकार से त्रिफला हो गया, सुटेबल जो भी हमें चीज चाहिए पाउडर उसको हम लेते हैं। उसी प्रकार से कॉटन की जो क्लॉथ होते हैं उसके पोटली बनाई जाती है, ठीक है, गरम करके उसको पोटली बनाई जाती है। उसके बाद फिर जो पाउडर हमने उसको फ्राई किया है, गरम किया है, ठीक है ना, और तब इसमें एक बात हमें ध्यान करनी है, जो पाउडर हम यूज कर रहे हैं उसको अच्छी प्रकार से गर्म करना है, उसका जो कलर है ब्राउन कलर का वो आवाज आ रही है मेरी आप सबको? Am I audible to all of you? यस बीच में रिप्लाई किया करो भैया, ऐसे काम नहीं चलेगा, आप बोलते नहीं हो बिल्कुल, है ना, इंटरेक्टिव। जब मैं कुछ पूछूं तो तब तो बोलना पड़ेगा ना, ऐसे तो बीच में ठीक नहीं बोलना सर, जैसे यस मैं बता रहा सर, हूँ। हाँ, जब पूछा जाए तो तब बोलना भी है, बताना भी है, मुझे कैसे पता लगेगा कि आप लोग सुन रहे हैं, ठीक है ना। तो चूर्ण पिंड स्वेद हम डिस्कस कर रहे थे। तो चूर्ण में कोई भी हर्बल प्रिपरेशन लेते हैं, जैसे मैंने भी बताया पुनर्नवा का चूर्ण ले सकते हैं, नागर मोथा ले सकते हैं, है ना, त्रिफला ले सकते हैं। ये पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें लेना होता है। इसी प्रकार से पोटली बनाकर उसके हम ट्राई करते हैं पेशेंट की, तो चूर्ण स्वेदन उसमें चूर्ण पिंड स्वेद हम उसमें पेशेंट का करते हैं। इसी प्रकार से इसमें भी टेम्परेचर जो है 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तक हमें रखना होता है, और पोटली को जो है वहीं जो भी थेरेपिस्ट होता है वो अपने हाथ के ऊपरली तरफ यानी कि डोर्सम ऑफ द हैंड जो हथेली होती है उसको तो ऊपरी भाग पर टच करके चेक करता है कि टेम्परेचर ठीक है या नहीं है, है ना, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, जो पोटली हम सिकाई करेंगे उस पर हमें रगड़ना नहीं है उसको, है ना, टच करना है, जस्ट टैपिंग करनी है, टैपिंग करके हमें उसका स्वेदन करना होता है, ठीक है। उसके बाद जो भी पोटली हमें जनरली दो पोटली का यूज किया जाता है इसमें, तो अल्टरनेट वे में हमें करनी होती है, एक समय में एक बार दूसरे दूसरी, फिर इस प्रकार से अल्टरनेटली हमें इसको यूज करना होता है यूनिफॉर्मली, ठीक है, ताकि टेम्परेचर जो है जिस टेम्परेचर पर हम इसको पोटली कर रहे हैं वो यूनिफॉर्मली मेंटेन हो सके, ठीक है। उसके बाद फिर जो भी प्रोसीजर होता है, जो चूर्ण स्वेदन जो हम करते हैं वो करीबन 30 से 45 मिनट तक हमें करना होता है, और जो भी अभ्यंगम की जो स्टेज बताया, अभ्यंगम की जो स्टेप्स बताए गए, 7 स्टेप 7 पोस्चर, उसी में ही हमें चूर्ण पिंड स्वेद का भी प्रयोग करना होता है, ठीक है। पहले क्या होती है, सिटिंग हो गई, फिर हो गई सुपाइन, है ना, लेट कर कमर के बल, फिर लेफ्ट लेटरल, ठीक है, फिर प्रोन पोजीशन हो जाती है पेशेंट की, है ना, तो बैक वगैरह को पूरा अच्छी तरह से इसकी हम सिकाई करते हैं, फिर राइट लेटरल करेंगे, ठीक है, फिर सुपाइन आएगा, है ना, फिर उसको सिटिंग पोस्चर में करते हैं। तो इस प्रकार से 7 पोस्चर हमें इसमें कवर करनी पड़ती होती है, ठीक है। उसके बाद जब स्वेदन कर दिया जाता है तो क्या हम धीरे धीरे उसमें हल्के हाथ से एक तरह से मसाज करते हैं पेशेंट की, और जो है पाउडर को हटा देते हैं, ठीक है, और उसकी जगह जो है रासनादि चूर्ण जो है हमें अप्लाई करना होता है उसकी फोरहेड पर, है ना, मूर्धा माथे पर जो है रासनादि चूर्ण का लेप करना होता है। और उसके बाद पेशेंट को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट रेस्ट करने के लिए बोलते हैं, कम से कम आधे घंटे के लिए। तो एक निवास स्थान पर यानी कि जहाँ पर डायरेक्ट हवा या पंखा इस प्रकार से एसी या फिर कूलर ना चल रहा हो, ठीक है, तो डायरेक्ट हवा उसको ना लगे, तो इस प्रकार से ऐसे अरेंजमेंट हमें करना होता है जिसे निवास स्थान बोलते हैं, जहाँ पे खुली हवा पेशेंट को ना लगे, तो ऐसी जगह उसको रेस्ट कराया जाता है, ठीक
ठीक है, आधे घंटे रेस्ट कराने के बाद फिर उसको ल्यूक वो मोटर से स्नान करा दिया जाता है। ठीक है, ल्यूक वो मोटर से स्नान करा दिया जाता है। उसके बाद जो भी डिस्पोजल्स वगैरह रहते हैं, टॉवल्स वगैरह रहते हैं, उसे अच्छी तरह से क्लीन करके फिर वो अपना जो भी नॉर्मल क्लोथ्स है वो अपने पहनकर प्रॉपरली अपना डेली रूटीन के जो कार्य है वो कर सकता है। अब बात करते हैं कुछ सावधानियां जो हमें करनी होती है इसमें। तो सबसे पहले तो यही है कि जो हमें चून जो हमें लेना है वो ज्यादा फ्राई नहीं करना उसको, तो ऐसा नहीं है कि उसको काला ही बना दिया है ना। तो भी चून पाउडर जो हम लेंगे चून पोटली बनाने के लिए, पहले उसको फ्राई किया जाता है तो उसको ब्राउन ब्राउनिश करना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है उसको जला देना है, जलाना नहीं है उसको, तो जस्ट ब्राउन करना है। उसके बाद फिर पोटली बनाकर हमें उसे यूज करना है। ठीक है, पेशेंट को हमें बोलना है कि कोई किसी प्रकार की उसको परेशानी ना, तो बार बार तो पूछ लेना कि किसी जो भी उसको है अनकंफर्टेबल फील तो नहीं हो रहा है ना, मतलब किसी प्रकार का डिस्कम्फर्ट ना हो पेशेंट को। तो इस प्रकार से हमें पेशेंट को कोऑर्डिनेट करना है। ठीक है, इनकेस अगर उसको किसी प्रकार की अनइजीनेस फील होती है या बर्निंग या कुछ भी फेंटिंग टाइप में कुछ महसूस होता है, तो तुरंत हमें जो अपना प्रोसीजर है उसको रोक देना है। ठीक है, और नॉर्मली जो भी समय बताया गया है चूर्ण पिंड छेदन के लिए भी, तो ये तो आप मॉर्निंग का समय प्रेफर करते हैं, मॉर्निंग 7 से 7 बजे से लेकर 10 से 11 बजे तक का समय रहता है। ठीक है, दोपहर का जो समय होता है लंच टाइमिंग 12 बजे के बाद और 3 बजे के बीच का समय हमें यूज नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी इसमें जो है पित्त प्रकोप रहता है ना, ऑलरेडी इसमें गर्मी रहती है ना, हॉट पार्ट रहता है हड्डी का, तो उसमें हमें नहीं करना है। ठीक है, ये तो अर्ली इन द मॉर्निंग करेंगे या इवनिंग में करेंगे, है ना। इवनिंग यानी कि 4, 5, 6 बजे के अराउंड हम उसको करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, इनकेस अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, अगर चूर्ण पिंड छेदन हम कर रहे हैं पेशेंट का, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो उसको हम कैसे जो है उसमें हम अपनी क्या चिकित्सा करेंगे, कैसे मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। इनकेस अगर पेशेंट को सीवरिंग हो रही है ना, सीवरिंग कब हो सकती है, अगर पेशेंट को जो है हम इसमें अगर हम इसका चूर्ण पिंड स्वेद कर रहे हैं और उसका टेम्परेचर हमने अगर नॉर्मली नहीं रखा, कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्मली नहीं रखा, कहीं पर गर्म कहीं पर ठंडा इस प्रकार से यूज किया, तो टेम्परेचर वेरिएशन के कारण उसको सीवरिंग हो सकती है। ठीक है ना, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, पेशेंट को ऐसी कंडीशन में हमें कवर कर देना है बॉडी को, इनकेस अगर उसको सीवरिंग हो रही है, ठंड लग रही है, तो उसको जो है ना बड़े कंबल या गर्म वस्त्र जो होते हैं उनसे कवर कर देना है। ठीक है, और गर्म पानी पीने के लिए देना है इसको। ठीक है, टिप टिप करके गर्म पानी पीने के लिए इसको देना है। ये तो हो गया सीवरिंग इनकेस अगर पेशेंट को हो रही है। जनरली अगर जो है सर्दी का समय है तो उसमें ज्यादातर पेशेंट को ये हो जाता है। ठीक है, तो फरवरी जनवरी फरवरी का समय जो होता है उसमें पेशेंट को इस तरह की कंप्लेन आ सकती है। ठीक है, सेकंड है फेंटिंग, अगर पेशेंट को फेंटिंग हो रही है ना, फेंटिंग बार बार जो है अंधेरी आ रही है आंखों के अगर, है ना, या फिर वर्टिगो एक तरह से उल्टी का मन हो रहा है, या फिर आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, फेंटिंग हो रही है, बेहोशी हो रही है, तो ये भी जो है पेशेंट को तभी हो पाएगी जब हम टेम्परेचर अगर बढ़ा देते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है ठीक है, तो उस केस में पेशेंट को फेंटिंग हो सकते हैं। अगर फेंटिंग हो रही है तो उस केस में क्या करना है, उसमें हमें ठंडे पानी के जो है ना छींटे उसे फेस पे हमें ऐसे स्प्रिंकल करनी है। ठीक है ना, ठीक है, कोल्ड वाटर के जो है कोल्ड वाटर स्प्रिंकल करना है उसके फेस पर। ठीक है, ठीक है, इनकेस अगर रैशेज हो जाते हैं पेशेंट को, अगर रेडनेस आ जाती है रैशेज हो जाते हैं, तो उसमें हमें क्या करना है, मधु और घृत का उसमें हमें अप्लाई करना है। ठीक है, मधुघृत या जात्यादि घृत का प्रयोग हमें करना है। ठीक है, तो ये तो थे पिंड जो चूर्ण पिंड स्वेद हो गया, उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है उसका मैनेजमेंट हो गया। इसी प्रकार से जो अदर जो कॉम्प्लिकेशन है, जो कोई बालू का स्वेद से भी हो सकते हैं, तो उसमें भी जनरली ऐसे ही कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उनको इसी प्रकार से हमें मैनेजमेंट उसमें करना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉमनली जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं स्वेदन क्रम, जो पूरा प्रोसीजर किया जाता है स्वेदन क्रम, जैसे षष्ठीशाली पिंड हो गया, जंभीर पिंड स्वेद हो गया, है ना, पत्र पिंड पोटली स्वेद हो गया, ठीक है, स्टेक हो गया, शिरो पिंड
या फिर नाड़ी स्वेद हो गया, जितने भी मतलब हमने अभी तक के डिस्कस किए हैं, सेवन के जो प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, उनमें जो भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं तो उनके हम आप देख लेंगे, देखते हैं, और उनका जो मैनेजमेंट होगा वो किस प्रकार से रहेगा वो आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही है कि अगर स्वेद का अपयोग हो गया है ना, मतलब स्वेद का अपयोग का मतलब हो गया कि अगर उसको ज्यादा स्वेदन हो गया, ज्यादा स्वेदन कर दिया है, ठीक है, तो उसमें चिकित्सक क्या करेंगे, मतलब उसमें मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इस प्रकार से सुलेख इसमें बताया गया है, चरक सारिन में बताया गया है कि स्वादु शीतम द्रवम स्निग्धम अन्नपानम तदाहितम, मतलब मधुर, स्वादु मधुर, शीत मतलब शीत है ना ठंडा, द्रव यानी कि लिक्विड, और स्निग्ध यानी कि लुब्रिकेटिंग जो है अन्नपान हमें उसको देना है, खाने के लिए देना है, वो हमेशा उसके लिए हितकर होता है ना। मधुर मतलब मीठा, ठंडा, द्रव लिक्विड और स्निग्ध है ना, जो उसको अच्छी तरह से स्निग्धता प्रोवाइड करे, लुब्रिकेटिंग हो, इस प्रकार से हमें इसको खाने पीने का जो है उसको देना है, ठीक है। और क्या करना है, शीतम शय शर्करम मंथम जांगलान मृग पक्षिणा, और इसमें बताया कि शीतम ठंडा है ना, शर्कर शर्कर का मंत्र जो बनाते हैं, शर्करा जो है ना पानी में घोल के उसको दे सकते हैं, ठीक है। और क्या दे सकते हैं, जांगलान मृग पक्षी ना, जांगल पशु पक्षियों का जो मांस होता है वो उसको, अगर इनकेस अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो उसमें हम उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, घृतम पेयम से शाल शाल्यम अन्नम भजनम ग्रीष्म न सिद्धतु, है ना। तो इसमें ये बताया घृत है ना, पीने के लिए घृत देते हैं, ठीक है, सलाका में भुना हुआ जो है ना उसको मांस वगैरह देते हैं, और ग्रीष्म में जो है उसको इस प्रकार की चीजें नहीं देंगे, ये इसमें बताया हुआ है, ठीक है। तो इन जनरली हम देख लेते हैं तो क्या करना है, इन केस ऑफ एक्सेसिव स्वेदन है ना, अगर ज्यादा स्वेदन हो जाता है तो ग्रीष्म ऋतुचर्या शुड बी अडॉप्टेड, है ना, ठीक है। द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी फॉलोड, द फूड विच इज मधुर शीत द्रव स्निग्ध इज टू बी गिवन, ठीक है ना। मतलब जो ग्रीष्म ऋतु में जो हम ठंडा खाना पीना करते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, है ना, शीतल द्रव्य का प्रयोग करना होता है, तो उसी प्रकार से हमें अपनी दिनचर्या अपनी अडॉप्ट करानी है पेशेंट को, तो ठंडा खाना पीना उसको लेना है ना, शीतल पेय पदार्थ लेने हैं, ठंडे स्थान पर उसको रहना है, ठीक है, गर्म चीजें को यूज नहीं करना, ज्यादा स्पाइसी फूड वगैरह यूज ना करे, है ना, इस प्रकार से उसको बोलना है, ठीक है। तो फूड कैसा, खाना पीना कैसा होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, मीठा है ना, स्वादु होना चाहिए, शीत होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, स्निग्धता पूर्वक होना चाहिए, है ना। जूस वगैरह हम दे सकते हैं, ठीक है ना, जूस मेड ऑफ कोल्ड वाटर एंड शुगर सुख भी, है ना, मतलब ठंडे पानी में का शर्करा जो होती है शुगर मिलाकर उसको दे दे, है ना, शरबत जिसे बोलते हैं वो पीने के लिए देना चाहिए, ठीक है। लवण है ना, लवण अम्ल उष्ण कटु द्रव्य शुड नॉट बी, जितने भी एक तरह से उष्ण द्रव्य है, यानी उष्ण मतलब जो गर्म चीजें हैं खाने के लिए, स्पाइसी है, मिर्च मसाले है, ज्यादा नमक का यूज हो गया, खट्टे पदार्थ हो गया, जैसे अदरक वगैरह का सेवन हो गया, काली मिर्च का सेवन हो गया, है ना, इस तरह के जो स्पाइसी फूड है वो उसको नहीं देने, ठीक है, क्योंकि इनसे वो उनसे क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर और एक तरह से पित्त प्रकोपित हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसको जो है ज्यादा दाह हो गया है, ज्यादा एक तरह से स्वेदन हो गया है, तो पहले से ही इसके शरीर के अंदर गर्मी है, तो जो भी स्पाइसी फूड इस प्रकार से दिया जाएगा तो उससे और ज्यादा जो है इसको परेशानी हो जाएगी, तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है, पेशेंट शुड कैप्ट इन द शीत गृह, है ना, ऐसे स्थान पर रखना है जहाँ पर ठंडी जो है वातावरण उसका रहे, ठीक है ना। जैसे इनकेस अगर ऐसे पेशेंट को अगर नॉर्मली कुछ ऐसे रूम में रखते हैं तो उसमें प्रॉपरली जो है ना ठंडा माहौल बना रहे, तो कूलर वगैरह चल रहा हो, मतलब किसी प्रकार की उसको ऐसी गर्मी महसूस ना हो, वैसे हमें उसको वातावरण देना है, ठीक है। और क्या करना है, हिज बॉडी शुड बी स्मियर्ड विद पेस्ट ऑफ चंदन, मतलब चंदन का लेप वगैरह भी हम कर सकते हैं, चंदन ठंडा होता है ना, शीत होता है, ठीक है, तो चंदन भी जो भी बॉडी पार्ट है उस पर हम लेपन कर सकते हैं चंदन का, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, द ट्रीटमेंट फॉर पित्त शमक एंड रक्त शमन शुड बी अडॉप्टेड, तो ऐसा हमें चिकित्सा देनी है जिससे उसके जो बॉडी का गर्मी है, पित्त जो है वो शांत हो, ठीक है ना, और रक्त रक्त दूषित अगर इन केस में है, ठीक है ना, क्योंकि रक्त और जो पित्त उनका स्थान एक ही बताया है, अगर पित्त दूषित होता है तो रक्त भी दूषित होता है, ऐसे बताया गया है, ठीक
ऐसे द्रव्य और ऐसी जो है उसका वातावरण और ऐसा उसका जो है ना दिनचर्या, जो भी परिचर्या उसकी ऐसी बनानी है जिससे पित्त और रक्त दोनों शांत हो। ठीक है, ये इसको हमें कराना है। ठंडा पानी जो है उसको जो है ना कोल्ड वाटर शुड बी स्प्रिंकल, छींटे वगैरह मारने हैं उसको बॉडी पर, फेस पर छींटे जो है ना, ठंडे पानी का यूज मेनली कराना है। ठीक है, हेड लो पोजिशन मेंटेन करानी है। अगर पेशेंट को ज्यादा अनइजीनेस हो रही है तो ऐसे रूम में उसकी जो बेड की पोजीशन होगी, ठीक है ना, वो इस प्रकार से हमें करनी है ताकि उसका जो हेड रीजन है मतलब अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो थोड़ा सा टिल्ट हो, नीचे की तरफ हो। ठीक है, ठीक है, इससे क्या होगा कि ब्लड फ्लो प्रॉपरली मेंटेन रहेगा और जो है बीपी हाई नहीं होगा उसका। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, कोल्ड वाटर टू ड्रिंक, ठंडा पानी पीने के लिए दे सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ द डिहाइड्रेशन इन केस अगर उसके अंदर पानी की कमी हो रही है। ठीक है ना, डिहाइड्रेशन अगर पेशेंट के अंदर है, गला सूख रहा है, ड्राइनेस है, गला सूख रहा है बार बार, तो उसको पीने के लिए पानी हम देना है। मतलब डिहाइड्रेशन एक तरह से होता है ना, जैसे भाई पेशेंट के अंदर अगर पानी की कमी हो जाती है तो उसको हम प्रॉपरली फिर हाइड्रेटेड करते हैं, नारियल पानी वगैरह देते हैं, नींबू पानी वगैरह देते हैं, ठंडा पानी पीने को देते हैं, इस प्रकार से हमें उसका मैनेजमेंट करना है। दूसरा है इन केस ऑफ एक्सेसिव स्वेद विच मे कॉज भ्रम, अगर पेशेंट को ज्यादा स्वेदन कर दिया गया है तो उसको गिडीनेस महसूस होने लगती है, या मूर्छा यानी फेंटिंग अगर हो जाती है या जलन हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, जो हमें इमिडिएटली जो है ना पेशेंट को ऊपर बताए गए जो भी प्रोसीजर्स है उनको हमें अडॉप्ट करना है। तो ठीक है, इन केस ऑफ स्पॉट यानी अगर पेशेंट में छाले वगैरह पड़ जाते हैं बॉडी पर, है ना, बॉडी पार्ट पर या लेग्स पर, है ना, छाले पड़ जाते हैं, ब्लिस्टर्स पड़ जाते हैं, या व्रण कुछ हो जाता है, ठीक है ना, तो उसको जो ना प्रोसीजर जो होता है जो भी उसको किया जा रहा है वो तुरंत हमें रोक देना है, और वहां पर सद्धोधित वगैरह जात्यादि घृत या जात्यादि तेल का यूज करके जो है उसको हमें ट्रीट करना है। ठीक है, तो ये तो कुछ मैनेजमेंट थे जो स्वेदन कर्म के दौरान हमें देखने को मिलते हैं और उसका किस प्रकार से मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ ऐसे टेक्निक्स है, ठीक है ना, जो आजकल मॉडर्न समय में जो की जाती है ना, जैसे सोना बाथ हो गया या स्टीम बाथ हो गया। ठीक है, तो आज आजकल जो है ये भी जो है काफी ट्रेंड में है। ठीक है, और अधिकतर हम पेशेंट को ये सुनते हैं कि मैंने सोना बाथ में ले रहा हूँ या मैं ले रही हूँ या फिर स्टीम बाथ, इस प्रकार के प्रोसीजर ऑलरेडी पेशेंट ले रहे हैं, तो वे होते क्या है एग्जैक्टली, है ना, तो उसकी का मतलब क्या उसका लॉजिक है। ठीक है, व्हाट आर द प्रिंसिपल, इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करता है सोना बाथ। ठीक है, और किससे किसे दिया जाता है, इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो प्रोसीजर्स है सोना बाथ, ठीक है ना, स्टीम बाथ, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सोना बात की जो हिस्ट्री रही है, स्टीम बात की हिस्ट्री रही है, वो किस प्रकार से जो है इसमें जो है टाइम टू टाइम चेंज होती आई है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, रोमन में जो है ना प्रिटोरियम इस प्रकार से जो है उसको यूज किया जाता था, पहले रोमन बात वगैरह, रोमन जो रोम देश है उसमें इसको यूज किया जाता था, बहुत लंबे समय से इसको जो है यूज किया जाता था। धीरे धीरे फिर पूरी इंडिया में, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे पर जो है सोना बाद जो है ये स्टीम बाद जो है ये प्रॉपर पॉपुलर हो गया। ठीक है ना, तो इसमें क्या रहता है वो आगे हम देखेंगे। सबसे पहले कि व्हाट इज स्टीम बाथ, अगर हम बात करें स्टीम बाथ है क्या, तो इसमें यही बताया गया, नॉट अनलाइक ए सोना है ना, इंड्यूसेस हीटिंग, मतलब क्या है कि सोना सोना बाथ, सोना बेल्ट या सोना बाथ होता है उसकी तरह ये नहीं है। ठीक है, फिर भी जो है इसके अंदर स्टीटिंग होती है, पेशेंट को जो है ना स्टीटिंग होती है, वो सोचता है कि स्टीटिंग अगर हो जाती है तो उसका बॉडी वेट लॉस होता है। ठीक है ना, एक्सेसिव फैट उसका बर्न होता है, तो इस प्रकार से पेशेंट खुद रिस्पॉन्स मतलब बताते हैं कि अगर हम इसको यूज करते हैं तो ऐसे ऐसे रिजल्ट आते हैं। ठीक है, बट विद इंटायरली डिफरेंट एटमोस्फेरिक कंडीशन, इसके लिए अलग अलग जो है एटमोस्फेरिक कंडीशन रहती है, तो वो इसके लिए हम इसमें बात करेंगे। द स्टीम बाथ नॉट ओनली हेल्प इन द रिलैक्सिंग द रिन्यूइंग एनर्जी, मतलब ये जो सोना जो स्टीम बाथ है, इससे ऐसा नहीं है कि जस्ट एक रिलैक्स के लिए इसको लिया जाए, इसके साथ साथ अदर भी इसके बहुत सारे जो यूजेज होते हैं। ठीक है,
जो हेल्थ को प्रमोट करते हैं, जो है ना शरीर के लिए अच्छे हैं और ब्यूटी के लिए भी अच्छे हैं। ठीक है, तो ये इसमें क्या क्या रहता है, तो सबसे पहले तो ये है कि इसमें टेम्परेचर जो है उसका जो जो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, जो 43 डिग्री से लेकर 46 डिग्री तक का टेम्परेचर इसमें लिया जाता है। ठीक है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है 100% से ऊपर होती है इन स्टीम बाथ। ठीक है, और क्या आता है, शुड बी परमानेंटली प्रेजेंट, ये हमेशा मतलब उसमें टेम्परेचर जो है इस तरह से ही कॉन्स्टेंट बना रहता है। ठीक है, ताकि प्रॉपरली एक यूनिफॉर्मिटी इसमें बनी रहे, और जो एक्सेसिव फैट बर्न है वो भी इसमें उस प्रकार से इसमें होता है, तभी बॉडी के लिए भी ये हेल्पफुल हो गया, और वैसे जो है नॉर्मल रिलैक्सेशन थेरेपी भी जो है इसको पेशेंट को मिलती है। ठीक है, तो ये इसके लिए क्या चाहिए हमें, एक स्टीम जनरेटर चाहिए जो इसमें एक स्टीम प्रोड्यूस करते रहे। ठीक है ना, तो इसमें ऑलरेडी एक स्टीम जनरेटर, एक स्टीम का जनरेट करने का एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया जाता है। ठीक है, जिससे जो है एक ऐसी फैब्रिक का यूज किया जाता है जिससे जो है वो गर्म होकर स्टीम जनरेट उससे होती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसमें जनरली जो है ये जो मॉडर्न जो पार्लर्स है या उसमें इसका यूज किया जाता है, लेकिन जनरली जो है हम पंचकर्मा सेटअप पर जो है इसको यूज नहीं करते हैं। ठीक, जनरल है, आप अगर इसको प्रॉपरली पढ़ लीजिएगा, मैंने इसमें नोट्स अपने शेयर कर दिए हैं, फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप इसमें नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें आपके लिए है, आप एक बार इसको डिस्कस कर इसमें देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर आप नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।